यदि आपने समय से गेहूं लगाई है तो उस समय जो है आपकी फसल लगभग 2 से 2.5 महीने की होगी और उसमें इस समय जो भी खरपतवार आ रहे हैं उनको जो है आप किसी भी खरपतवार नाशी के इस्तेमाल न करें, बल्कि उसको जो है खुरपी अथवा हमारा जो हैंड होता है उसके द्वारा ही निकालें। और इस समय ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पानी देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि गेहूं के लिए अच्छी पैदावार के लिए 4 से 6 सिंचाइयों की जरूरत पड़ती है। जहां पर बारिश हो गई अच्छी बात है, जहां पर बारिश नहीं हुई है वहां पर जो है हमको पानी देने की जरूरत है। पानी जैसा कि आप जानते हैं 6 सिंचाइयों की जरूरत पड़ती है, पहली सिंचाई 20 से 25 दिन बाद, दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन बाद, तीसरी सिंचाई जो है 60 से 65 दिन बाद और चौथी सिंचाई जो है 80 से 85 दिन बाद देने की जरूरत पड़ती है। गेहूं के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे खरपतवार हैं जैसे गेहूं का मामा है, गुल्ली डंडा है और या जंगली जही है, ये सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार हैं। और इसके साथ साथ जो छोटी पत्ती वाले खरपतवार हैं जैसे हमारा बथुआ है, खरबथुआ है, चटरी मटरी है, सेंधी है, प्याजी है, ये काफी नुकसान करते हैं, क्योंकि ये भी यदि हमारी फसल अच्छी नहीं है तो ज्यादा ग्रो करते हैं और यदि हमारी फसल अच्छी है तो कम ग्रो करते हैं। तो इनको नियंत्रण करने के लिए आप यांत्रिक विधि द्वारा भी कर सकते हैं, अर्थात खुरपी या कसौला चलाकर या हैंडो चलाकर। यदि आप किसी कारण जो है लेबर की कमी है तो खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करके भी खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है आप सल्फर सल्फ्यूरोन की 25 ग्राम दवा लें और उसको जो है 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव करें। इसके साथ साथ जो है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए मेट सल्फ्यूरोन मिथाइल उसकी 4 ग्राम मात्रा या 240 सोडियम साल्ट आता है उसकी जो 500 ग्राम मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना के हमको जो है 25 से और 40 दिन के बीच में इसका स्प्रे करना चाहिए। इसके साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना है जो बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा है उसको जो है पहला पानी देने के बाद में अवश्य लगाएं और यदि कंडीशन में आता है और खरपतवार नियंत्रण के बाद में ही लगाएं ताकि खरपतवार जो है नाइट्रोजन का इस्तेमाल ना कर सकें बल्कि हमारी फसल ही इस्तेमाल करें। किसान भाइयों कहीं कहीं जहाँ पर हम धान गेहूं का फसल चक्र अपनाते हैं वहां पर जो है जिंक की कमी के लक्षण गेहूं के अंदर आ जाते हैं, जो पौधों की वृद्धि है वो रुक जाती है और उसके साथ साथ जो पत्तियों पर नसें होती हैं तो उनके जो नसों के बीच में जो है सफेद धारियां बन जाती हैं। इसके लिए ये मैं बताना चाहूंगा जो 2.5 किलोग्राम भुजा हुआ चूना है उसको शाम को 10 लीटर पानी में भिगो दें और सुबह निथार के उसको जो है छान लें। छानने के बाद में पानी जो है उसको जिंक सल्फेट को 5 किलोग्राम को जो निथारा हुआ पानी है उसको जो है 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना के उसका छिड़काव करें।